सो हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, ये व्लॉग शुरू हो रहा है शॉप से, क्योंकि एक बात आपको बतानी थी। सो गाइज, आज है संडे, ये संडे का व्लॉग है। तो हुआ क्या, सुबह मुझे ना दिव्य को कल रात को किसी की कॉल आई थी, तो उन्होंने ना शॉपिंग करनी थी, कुछ सूट्स लेने थे, अनस्टिच या रेडीमेड जो भी लेना था उन्होंने। तो वो कह रहे थे कि उन्होंने आना है शॉप पे, बट कल रात को जब उनका कॉल आया तो वो सुना रहे थे कि शाम को वो नहीं आ पाए, कुछ काम था उनको। तो फिर आज उन्होंने वापस चंडीगढ़ निकलना था, उनकी बेटी या बहू जो भी था, उन्होंने सुबह निकलना था चंडीगढ़। तो वो कह रहे थे कि मुझे सूट्स लेने हैं, देखने शॉप से, रेडीमेड भी देखने और अनस्टिच भी देखने, तो सुबह सुबह आप आ जाओगे। तो सुबह 8 बजे गाइज मैं शॉप पर आई थी बिना नहाए, मैं क्योंकि मैं 8 बजे तक नहाई नहीं हुई थी, ऐसे मैं नहा लेती हूँ नॉर्मली, आज मैं नहीं नहाई थी। तो मैं फटाफट चेंज किया मैंने, तो मैं शॉप पर आई। उसके बाद मैं शॉप पर आके मैंने सफाई हुई की, ये तो मैंने अभी फेंका है तो किसी और को दिखा रही थी, तो मैंने सफाई हुई की, सारी क्लीनिंग की, सारा कुछ किया। फिर मैं कोई 9:30-10 बजे तक फ्री होके, मतलब उनको सूट दिखा के, देख के, सफाई करके फिर गई थी घर। फिर घर जाके मैंने नहाई, फिर चेंज किया, फिर ये सूट पहना, पहले दूसरा सूट पहन के आई थी। फिर घर जाके मैंने चेंज करके ब्रेकफास्ट करा, थोड़ा काम किया हल्का फुल्का, और फिर 11:30-12 तक मैं फ्री हो गई थी। फिर मैं 12 बजे फिर से शॉप पर आई, इसीलिए मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया सुबह से गाइस। तो फिर सुबह मैंने ब्रेकफास्ट में खाया था केवलियाँ और चपाती। केवलियाँ मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, ये सीज़न होता है सब्जियों का, कुछ सब्जियाँ होती हैं जो पहाड़ों में होती हैं, और वो देसी भी होती हैं कुछ, मतलब बाहर से भी होती है, ऑर्गेनिक हाइब्रिड सब कुछ होता है। सो गाइस, जो सुबह केवलियाँ बनी थी वो देसी थी, मतलब उसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं थी, तो वो किसी के घर की थी देसी, तो वो आई हुई थी। और रात को मम्मा के साथ मैंने हेल्प कराई थी, तो वो हमने रात को साफ करके काट के रख दी थी, और सुबह हमने वो फ्रेश बनाई थी, ब्रेकफास्ट उसके साथ किया हमने। सो गाइस, आज जेठा एतवार भी है, तो मम्मा का फास्ट था, तो मैंने खाना खा लिया एक टाइम जो खाना था। ऐसे नॉर्मली वो शाम को खाते हैं, बट उन्हें आज बनाई भूख लगी थी, उन्होंने खा लिया। सबने आज लंच भी कर लिया, लंच में बनी है दाल, मैंने नहीं किया गाइस, मैंने सिर्फ केवलियाँ चपाती खाई थी। उसके बाद मैंने थोड़ी सी चाय पी थी, फिर मैं शॉप पर आ गई थी, और अभी मैं फिर से घर गई थी थोड़ी देर पहले, अभी गई थी मतलब 15-20 मिनट पहले। तो घर से मैं लेके आई हूँ लंच, ये देखिए। सो लंच में बना था आज हमारे घर, सबने कर लिया मेरे को छोड़ के लंच, मैंने सिर्फ चपाती और सब्जी खाई थी। सो गाइस, एक टाइम पे ना मैं बड़ा ज़्यादा नहीं खा सकती, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके खाती हूँ। तो अभी मैंने चपाती केवलियाँ सुबह खाई थी, तो अभी मैंने लाई है दाल और थोड़े से चावल, मैं आपको दिखाती हूँ। और मैंने थोड़ी सी केवलियाँ भी लाई है, मेरे को टेस्ट लगी थी, नॉर्मली मुझे इतनी पसंद नहीं है फ्राई की वजह से, बट वो जो उसका आज टेस्ट आ रहा है ना, सो गाइस आज जो केवलियों का टेस्ट आ रहा है वो अलग ही आ रहा है, बड़ा टेस्ट लग रहा है। तो मैंने वो भी लाया है चावल के साथ थोड़े से, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं लंच में क्या लेके आई हूँ। वैसे मूंगी की दाल बनी है, उसमें मम्मा ने पालक डाली है, तो फिर वो बनी है, बड़ी टेस्ट बनती है। तो वो मैं अभी खाने लगी हूँ, लंच करने लगी हूँ। तो अभी मैं घर भी होके आई थी, मुझे वॉशरूम जाना था, तो मैं फ्री होके अपना लंच लेके आई हूँ। और मैंने जो सूट दिखाने थे लोगों को दिखा के पैक भी कर दिए हैं। फिलहाल आज संडे है, तो जो भी आएगा दिन के बाद ही आएगा, सारे इस टाइम खाना खा के रेस्ट कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा लंच कर लेती हूँ, थोड़ा व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, सुबह से व्लॉग ही नहीं बनाया, टाइम ही नहीं लग रहा था। पहले सुबह शॉप पर आई, फिर घर गई, फिर नहाई, फिर लेट हो गई, फिर 12 बज गए। तो फिर अभी मैं 2 घंटे पहले, दो नहीं, 3-3.5 घंटे हो गए मुझे ब्रेकफास्ट करे हुए, तो अब मैं लंच करने लगी हूँ। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ लंच में क्या लेके आई हूँ। सो गाइस, फिलहाल कुछ है नहीं है, और विदु चला गया पनियालग वापस। और ऐसे आज हमने जाना था पनियालग, क्योंकि आज जेठा एतवार है जो हमने जाना होता है हर महीने, बट आज हम नहीं गए क्योंकि नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं 22 को। मैंने पहले भी बताया था व्लॉग में, फर्स्ट नवरात्रे को मम्मा उनकी अटेंडेंस बोलो, मम्मा उनकी हाजिरी बोलो, जरूरी होती है मंदिर में। तो फिर मम्मा और पापा जाएंगे पहले नवरात्रे में। सो गाइज, पहले नवरात्रे में मम्मा और पापा जाएंगे पनियालग, हम नहीं जाएंगे मैं और दीवू। रीज़न भी बता देती हूँ कि हम दोनों क्यों नहीं जाएंगे। ऐसे तो उनका जाना बनता है क्योंकि पापा हैं बड़े घर पे, उनका जाना बनता है, बट पापा ट्रैवल नहीं कर सकते, तो मैं और दीवू जाते हैं। तो अब ये है कि मम्मा ने जाना ज़रूरी है, तो पापा को होता है कि साल में 2 बार जाना ज़रूरी होता है, एक अभी वाले नवरात्रे, एक अगस्त वाले महीने में जो रक्षाबंधन आती है उसके पास जाते हैं, यात्रा होती है, तो तब जाना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको कि सारा कुछ बताऊंगी। तो मम्मा पापा ने जाना है फर्स्ट नवरात्रे को, तो हम इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि वो जा रहे हैं, वो तो होगी, और हम घर रह के मैंने रियोली लगानी होती है, रियोली लगती है नवरात्रे, फर्स्ट नवरात्रे में लगती है, माता बोलते हैं जिसको, रियोली लगानी है, तो फिर घर में भी कोई चाहिए, तो इसीलिए फर्स्ट नवरात्रे में मैं और दीवू यहीं पर होंगे और मम्मा पापा जाएंगे पनियालग। तो बाकी फास्ट तो हमारे पूरे वीक रहेंगे, क्योंकि नवरात्रे के मैं पूरे फास्ट रखती हूँ, वो शुरू से भी है, और ऐसे मन को एक तसल्ली मिलती है शुरू से कि नवरात्रे रखने, ऐसे मज़ा आता है कि नवरात्रे रखने हैं, मन करता है अंदर से। तो गाइज, एक तो शादी से पहले ना हमारे घर नवरात्रे मेरे मायके में नहीं रखते थे, कुछ रीज़न था। सो गाइज, मेरे मायके में ना नवरात्रे नहीं रखते थे, कुंवारे होते, मतलब मैं कुंवारी थी क्योंकि बिंदे हुए थे, तो मैं जब रखती थी तो मुझे मम्मा से डांट पड़ती थी कि हमें नहीं रखते हैं, तुझे अगर इतना शौक है नवरात्रे रखने का तो ससुराल में जाके रखना। तो बात वही हुई, अब मैं ससुराल में आके ना, मेरे को एक तो मैंने मन भी करता, और इधर मम्मा सारे फास्ट रखते हैं तो मेरे को ईजी हो जाता है,
तो मैं नवरात्र सारे रखूंगी, जब रखूंगी आपको बताऊंगी आज का, फिर नवरात्र वाले वीक हमारी क्या रूटीन रहेगी, क्या खाते हैं सुबह शाम। मेरी कोशिश ये होगी जितना फ्राई कम हो कम खाएं, बट क्या होता है गाइस, सिंगल रह के डाइट करना और फैमिली के साथ रह के करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। वो चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब आप फैमिली के साथ चीज़ें करने की कोशिश करोगे, जब आप डाइट या जो करते हैं उनको ये चीज़ फील होगा कि फैमिली के साथ डाइट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर घर वाले आप कंसर्न हो जाते हैं आपकी हेल्थ को लेके कि भाई आपके तो ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो सेहत कैसे बनेगी, काम कैसे करोगे, तो फिर वो चीज़ें भी थोड़ी सी मैटर करती हैं, तो फिर इसीलिए थोड़ा ऊपर नीचे होता है। अदरवाइज अकेले रह के मैंने डाइट अच्छे से की हुई है, मैंने अपना वेट 6 से 7 से 8 किलो भी कम किया हुआ है। नॉर्मली मेरा वेट इतना होता नहीं है, अगर हो भी जाए ना 56-57 तो भी मैंने कम करा हुआ है। तो अभी मेरे लिए थोड़ा मुश्किल इसलिए होता है कि एक तो फैमिली के बीच, ऊपर से शॉप का काम, तो इधर रह के डाइट करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि बैठ के भूख भी लग जाती है, काम करके थक भी लग जाती है, और ध्यान कितना ही डाइवर्ट कर लोगे अब खाने से। और अब बड़ी बातें होगी, पहले खाना खा लेते हैं फिर करते हैं बाकी बातें। गाइस लंच वैसे मैं खुद लेके आई हूँ, मैं आपको दिखाती, तो मैंने डाल के लाया है, मम्मा बात कर रहे थे फ़ोन पे। ये है दाल, आपको पता नहीं कैसी दिख रही होगी, बॉयल है, मूंगी की दाल है। ठीक इसलिए लग रही है गाइस क्योंकि जब मम्मा पापा उन्होंने खाई थी तब थोड़ी सी पतली थी, और अब उसके बाद ना दाल क्या होता है जब आप थोड़ी देर रखते हो ना वो बड़ी थिक हो जाती है, तो ये थिक हो गई। ये बनी है क्योलियाँ, बड़ी स्वाद होती हैं गाइस, अगर आपने खाई होंगी तो आपको पता होगा। और साइड पर मैंने थोड़ी सी चटनी भी डाली थी अनारदाने की। तो अब मैं करने लगी हूँ लंच और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। सो गाइज अभी बज रहे हैं 5, अभी मैं काजल से बात कर रही थी तो मैंने सोचा कि आज की कलेक्शन आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि कल के दिन भी मैं कलेक्शन नहीं दिखा पाई क्योंकि बिजी हो गई थी, और कल भी मैं मतलब मम्मा पापा गए हुए थे कठुआ, तो कल का दिन भी ऐसे निकल गया, फिर मैं जल्दी घर चली गई, और परसों भी दिन बारिश हो रही थी, मैंने आपको कलेक्शन नहीं दिखाई 2 दिन से। सो गाइज आज मैं सोच रही हूँ मैं आज आपको अपनी अनस्टिच कलेक्शन शुरू करती हूँ दिखाना कि मेरे पास क्या क्या वैरायटी है। और सबसे बड़ी बात कि मैं अभी काफ़ी देर से मैंने खाना खा लिया हुआ है। सो गाइज काफ़ी देर से मैंने खाना खा लिया और मैं बिजी हो गई थी कस्टमर्स के साथ, फिर काजल से बात करने लग पड़ी, तो अभी दीवू कह रहा था तो कुछ खाने का मन कर रहा है, कह रहा मैं कुछ ऑर्डर करने लगा हूँ, पता नहीं क्या खाता वो, तो मैंने सोचा मैं आपको कलेक्शन दिखा देती हूँ आज की। बट मैं आज शुरू कर रही हूँ अपने अनस्टिच्ड वाली कलेक्शन, सो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको अपनी कलेक्शन में से क्या दिखाती हूँ। सो गाइज आज फर्स्ट टाइम होगा, कलेक्शन तो मैं आपको रेगुलर रोज दिखाती थी काफ़ी देर से जब से मैंने शॉप खोली है, बट आज फर्स्ट टाइम होगा कि मैं आपको अपनी समर कलेक्शन का अनस्टिच दिखाने जा रही हूँ। सो गाइज मैंने अपना वो निकाल लिया जो भी आपको दिखाना है, सो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको अपनी समर कलेक्शन में से सबसे पहले क्या दिखाती हूँ गाइज। सो गाइज ये है मेरा आज का पहला अनस्टिच्ड पीस, ये देखिए मॉव शेड में है गाइज, ये है इसका बॉटम। सो गाइज ये है इसकी शर्ट, बाटिक प्रिंट में है, और इसमें फॉल्स मिरर, ये जो प्लास्टिक मिरर्स होते हैं जो ग्लास नहीं होते वो वाले इसमें लगे हुए हैं बीच बीच में, ये देखिए। और ये है इसका दुपट्टा मॉव शेड में, प्रॉपर कॉटन है गाइस, ये देखिए सॉफ्ट कॉटन है गाइस, स्लब कॉटन है गाइस, ये सारा पैटर्न जो ये कपड़ा है इसको स्लब कॉटन बोलते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ गाइस। ये है स्लब कॉटन कपड़ा, काफ़ी सॉफ्ट है, फुल साइज़ कपड़ा है गाइस, ये देखिए इसका कंप्लीट लुक, शर्ट बॉटम और दुपट्टा मॉव शेड में है। लाइट के कारण आपको प्रॉपर कलर शायद नहीं इतना क्लियर दिखेगा भाई। तो गाइस इतना सुपीरियर पीस है, अगर मैं क्लोजली दिखाऊं तो देखिए ये है इसका दुपट्टा, ये है इसकी शर्ट, कॉटन है, स्लब कॉटन कपड़ा है गाइस। शॉप पे आएंगे तो ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा, बट मैं प्रिंट्स दिखा रही हूँ आपको। ये इसकी बॉटम है जो ऑलरेडी जिसमें काम हुआ हुआ है, प्लेन बॉटम नहीं है, ठीक है, प्रिंट बॉटम है, दुपट्टा है, जयपुरी प्रिंट बोल सकते हो आप इसको, ये बाटिक होता है गाइस, इसको बाटिक प्रिंट बोलते हैं, और इसमें फॉल्स मिरर लगे हुए हैं, प्लास्टिक मिरर्स जिन्हें बोलते हैं, ग्लास नहीं है ये गाइस। से काफ़ी रिजनेबल प्राइस में ये सूट अवेलेबल है मेरे पास, मेरे पास सो गाइस इसमें मेरे पास 4 कलर अवेलेबल हैं टोटल, सो बाकी के 3 कलर मैं अभी आपको दिखाती हूँ गाइस। सो गाइस ये हैं बाकी के 3 कलर, ग्रीन है, पैरेट ग्रीन, डार्क ग्रीन नहीं है गाइस, ये इसका बॉटम ये वाला, और ये इसका दुपट्टा कॉटन में, स्लब कॉटन है गाइस, ये है ब्लू कलर बॉटम प्लस दुपट्टा, और ये है मस्टर्ड शेड, आपको शायद पता नहीं यहाँ पे कुछ और कलर ना दिख रहा हो कैमरे में, बट मस्टर्ड शेड है, और ब्राउन, लाइट ब्राउन या मस्टर्ड शेड बोल सकते हो, और इसका दुपट्टा और बॉटम है गाइस। शॉप पे आके देखेंगे तो आपको पता चलेगा रेंज क्या है, कलर क्या है, कलर पैटर्न क्या है, बहुत प्यारे कलर्स हैं गाइस।
गाइस बहुत अच्छे प्रिंट्स हैं, बहुत अच्छे कलर हैं, बाटिक प्रिंट बोलते हैं इसको, स्लब कॉटन है, 4 कलर्स में अवेलेबल है ये पीस मेरे पास जो मैं आपको आगे दिखा रही हूँ। और जो कलर मैंने टोटली डिस्प्ले किया है ये वाला कलर मॉव शेड, बहुत ही अच्छा कलर है गाइज। बट गाइज बाकी के 3 कलर भी बहुत अच्छे हैं, सो शॉप पे आके विजिट करिए, आपको तब अच्छे से पता चलेगा कलर और वेरिएशन। सो आई होप आपको ये पीस पसंद आया होगा। सो गाइज अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना नेक्स्ट सेट। सो गाइज ये है मेरा आज का सेकेंड पीस, जयपुरी प्रिंट में है, कॉटन है, और इसका बॉटम ये देखिए गाइज लहरिया प्रिंट में है गाइज, ये देखिए। और गाइज ये है इसका दुपट्टा, ये भी लहरिया प्रिंट में है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। कॉटन का दुपट्टा है गाइज, प्रॉपर सॉफ्ट कॉटन है, मल का दुपट्टा है ये। और ये है इसका जयपुरी प्रिंट, देखिए कितना प्यारा प्रिंट है गाइज। और ना बॉटम में ना इसके ना घेरे में समोसा लेस भी लगी है थोड़ी थोड़ी गोल्डन कलर की। और ये है इसका प्रिंट, नेक दिखाऊँ पास से तो दिखाती हूँ आपको। सो गाइज ये देखिए इसके नेक में ना ये टाई है, टाई पे भी फॉल्स मिरर लगे हैं, प्लास्टिक मिरर जिन्हें बोलते हैं। और जयपुरी प्रिंट में स्टोन वाले बटन्स भी लगे हैं गाइज, इसकी डिटेलिंग है, स्टोन की डिटेलिंग है इसमें। और ये जयपुरी प्रिंट है गाइज, ये देखिए। और देखो ना लहरिया दिया हुआ है गाइज, जयपुरी प्रिंट में इन्होंने लहरिया डाला हुआ है, काफ़ी डिफरेंट पीस है। इसमें भी मेरे पास 4 कलर अवेलेबल हैं टोटल, तो बाकी के 3 कलर्स भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ गाइज। काफ़ी अच्छा पैटर्न है, रीजनेबल प्राइस पे है, जब शॉप पे आओगे ज़्यादा अच्छे से कपड़ा पैटर्न डिज़ाइन समझ में आएगा। ये भी स्लब में है गाइज, तो गाइज पास से दिखाऊँ तो काफ़ी सॉफ्ट कॉटन है। सो गाइज बाकी के 3 कलर्स भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सो गाइज ये हैं बाकी के 3 कलर्स, पास से दिखाऊं तो ये देखिए इसमें थोड़ा सा वाइन और ग्रे मिक्स है। बॉटम दिखा दूं तो ये देखिए इसका बॉटम दुपट्टा, ये बॉटम है और ये दुपट्टा है गाइस, कॉटन मल का दुपट्टा है। सो गाइस ये थोड़ा पर्पल और ऑरेंज मिक्स है, ये देखिए इसका बॉटम दुपट्टा गाइस, मिक्स मैच कलर है। और ये थोड़ा सा मस्टर्ड और ग्रे है, ये इसका दुपट्टा और ये इसका बॉटम है गाइस। सो गाइस आई होप आपको ये वाला पीस भी पसंद आया होगा मेरी कलेक्शन का। जयपुरी प्रिंट है, कॉटन है, प्रॉपर गर्मियों वाली, बॉटम भी कॉटन है, दुपट्टा भी कॉटन है, कॉटन मल का दुपट्टा है इसके साथ, काफ़ी सॉफ्ट दुपट्टा है। सो गाइस सारे ही कलर अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। सो आई होप आपको ये प्रिंट भी पसंद आया होगा। सो आपको मेरी कलेक्शन अच्छी लगी होगी अनस्टिच्ड के भी। सो गाइस और भी कलेक्शन मैं भी आपको दिखाती हूँ गाइस। आज का ये था मेरा सेकेंड सेट, अब मैं आपको आज का थर्ड सेट दिखाती हूँ गाइस। सो गाइस ये है मेरा आज का थर्ड सेट, पिंक कलर में है, प्रिंटिंग देखिए गाइस, स्लब कॉटन है, काफ़ी शाइन वाला कपड़ा, अच्छा कपड़ा है, ठीक है। बॉटम में इसकी समोसा लेस लगी हुई है फ्रंट में शर्ट में। ये है इसका बॉटम, लहरिया प्रिंट में है, थोड़ा सा जयपुरी टच दे रहा है ये भी। और ये भी कॉटन स्लब में है। तो गाइस इसका नेक दिखाती हूँ आपको, ये है इसका नेक, प्रॉपर डिटेलिंग के साथ है, समोसा लेस लगी हुई है, अंदर जो है बॉटम का प्रिंट लगा हुआ है, जैसे बॉटम में प्रिंट है गाइस, ये देखिए मैचिंग के लिए लहरिया प्रिंट है, जयपुरी प्रिंट। और ये इसमें थोड़ी सी ना डिटेलिंग दी हुई है, स्टोन है, बटन्स, जैसे आप देखिए कितने प्यारे, जिनको ऐसी डिटेलिंग पसंद है। कलर भी प्रॉपर डार्क कलर है। और इसका जो दुपट्टा है गाइस, ये शिबूरी प्रिंट में है, इसके अंदर फ्लावर की प्रिंटिंग, अगर मैं आपको थोड़ा सा खोल के दिखाऊँ तो। सो गाइज़ ये देखिए इसका दुपट्टा, प्रॉपर अच्छा दुपट्टा गाइज़, तो रिजनेबल रेंज में है गाइज़। इसमें मेरे पास सिर्फ एक ही कलर अवेलेबल है और 2 पीसेस में अवेलेबल है गाइस, दूसरा पीस भी अभी मैं आपको इसका दिखाती हूँ। तो ये है इसका बॉटम, दुपट्टा प्लस शर्ट, और नेक तो मैं आपको इसका दिखा ही चुकी हूँ, टाई में डिटेलिंग के साथ सब कुछ। और बॉटम में इसकी समोसा लेस लगी हुई है इसके बॉर्डर में फ्रंट में गोल्डन कलर की, लाइनिंग की ज़रूरत नहीं है, ये देखिए लाइनिंग की ज़रूरत नहीं है, ये आप गर्मी में आराम से पहन सकते हो, काफ़ी अच्छा कलर है गाइस, काफ़ी सुपीरियर क्वालिटी है गाइस। अगर मैं पास से इधर से दिखाऊं तो लाइट के साथ, ये देखिए काफ़ी अच्छा कपड़ा है, सो रीजनेबल रेट में है गाइस। दूसरा पीस भी मैं अभी आपको इसका दिखाती हूँ। सो गाइस ये देखिए सेकंड पीस इसके साथ, सेम कलर में 2 पीसेस अवेलेबल है मेरे पास गाइस, और कलर काफ़ी अच्छा है, आप पहन सकते हो। जिनको लाइट कलर से थोड़ा सा होता है कि लाइट कलर्स नहीं पहनने या सिर पे दुपट्टा वाइट कलर का नहीं लेना, कुछ कुछ में होता है जैसे हमारे यहाँ पे होता है, तो वो ये डार्क कलर आराम से ले सकते हैं। दुपट्टा भी अच्छा है, सिर पे आराम से एडजस्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इसका बॉटम है, ये शर्ट है, दुपट्टा प्लस दूसरा पीस मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ये पिंक कलर का, सेम पैटर्न में सेम कलर में। सो गाइज ये था आज का मेरा थर्ड सेट, आई होप आपको ये वाला पीस भी पसंद आया होगा। जयपुरी टच में मैंने आपको 3 प्रिंट्स दिखाए हैं आज के,
प्रॉपर बाटिक प्रिंट था फर्स्ट वाला, सेकंड वाला में जयपुरी टच था प्लस लहरिया था, और थर्ड वाले में भी लहरिया प्लस थोड़ा जयपुरी टच है, और इसमें फ्लावर कैसे छोटा छोटा जैसे होता है ना डॉट्स वाली प्रिंटिंग है, और गाइज ये भी थोड़ा सा जयपुरी टच दे रहा है। सो गाइज आई होप आपको मेरे तीनों पीस पसंद आए होंगे, तीनों सेट पसंद आए होंगे आज की कलेक्शन में से, अनस्टिच्ड कलेक्शन में से। सो गाइज शॉप पे विजिट करिए, क्लोजली देखिए, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कलेक्शन मेरी अनस्टिच्ड की। आई होप आपको मेरी तीनों चीज़ें पसंद आई होंगी, तीनों सेट पसंद आए होंगे और रीजनेबल प्राइस में। गाइज समर्स में मेरे पास अच्छी अच्छी कलेक्शन निकल जाएगी, जल्दी जल्दी शॉप पे विजिट करिए और देखिए क्या क्वालिटी है, क्या पैटर्न है, किस रेंज के हैं। सो गाइज मिलती है एक नए व्लॉग में नए कलेक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।